हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। आपका अपने चैनल सोशल लाइफ में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ 7 प्रो की। उससे पहले एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि मुझे मतलब यूट्यूब पे कमेंट आते हैं कि आप अनबॉक्सिंग की भी बनाते हो वीडियोस और क्या कहते हैं ट्रैवलिंग की भी, मतलब पबजी की भी। सो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ, जो मैं अब के जो मेरा टाइम टेबल है, मैं वीकली डालूंगा ट्रैवलिंग की व्हीकल की एक वीडियो, और उसके बीच में पबजी की भी डालूंगा और क्या कहते हैं अनबॉक्सिंग की भी कभी कभी डालूंगा। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये है फ्रेंड्स रेडमी नोट 7 प्रो, जो कि मुझे पड़ा ये 15,100 का। क्यों पड़ा उसका मैं रीज़न आपको लास्ट में बताऊंगा। सो इसको चलो अनबॉक्स करते हैं। अभी देख लो सील है, उसके लिए मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ेगी। सो मैंने अभी सील खोल दिया। ये है बिल, बिल आप देख सकते हो 13,999 का, पर मेरे को 15,100 का पड़ा। इसमें है केस, ये इसके साथ मिलता है। ये है यूजर गाइड और ये है फोन। लुक आप देख सकते हो, इसको भी ऑन करते हैं बाद में और इसमें देखते हैं। इसमें एक तो मिली डाटा केबल और एक चार्जर, जो कि हमें पता है हेडफोन्स इसके साथ नहीं मिलते हैं। तो ये है एक चार्जर। अब चलो फोन को ऑन करते हैं। ये देखो फोन ऑन हो गया। सो इसको क्या कहते हैं, मैं वीडियो बाद में डालूंगा। मैं बताता हूँ आपको कि इस फोन में हमें क्या क्या फीचर्स मिले हैं। इस फोन में हमें मिला 48 एम्पेयर का बैक कैमरा प्लस 5 एम्पेयर का AI ड्यूल रियर कैमरा जो फ्रंट है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन है 675 और इसकी जो डिस्प्ले है 16 सेंटीमीटर है, 6.3 FHD प्लस नो टच डिस्प्ले, और इसकी बैटरी है 4000 mAh की। और हमें जो फ़ोन के साथ साथ जो एक्सेसरी मिली है, उसमें डिब्बे में जो जो मिला, एक तो मिला मोबाइल फ़ोन, उसके बाद अडेप्टर, उसके बाद USB टाइप सी केबल, एक सिम इंजेक्ट टूल और यूज़र गाइड और वारंटी कार्ड और क्लियर सॉफ्ट केस। सो फ्रेंड्स, ये था Redmi Note 7 Pro के अनबॉक्सिंग। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो दोस्तों, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे को जो ये इसकी कॉस्ट पड़ी, वो पड़ी 15,100 रुपया। इसकी जो ऑनलाइन कास्ट है वो है 14,000, मतलब 13,999 रुपये। सो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, और मैं फ्लिपकार्ट और शोमी वालों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि फोन्स की ब्लैक मार्केटिंग क्यों हो रही है मार्केट्स में, ठीक है? उसको रोकने के लिए प्लीज़ कुछ किया जाए, इतनी रिक्वेस्ट है। क्योंकि मैंने कस्टमर केयर फ्लिपकार्ट में भी फ़ोन किया, मैंने शोमी में भी फ़ोन किया, उनको मैंने मैटर बताया, लेकिन वो बात तो मानते नहीं। कहते नहीं, कोई भी कितने भी ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो फिर तो मैं भी यही बिजनेस खोल लेता हूँ कि कोई भी ऑर्डर जितने मर्जी प्लेस करके बाद में ज़्यादा रेट में बेचूँ।
पर ये एक इलीगल काम है, सीधी सी बात है। जैसे मेरे को पड़ा 1100 रुपया महंगा पड़ा फोन, पर मुझे जरूरत है, मेरे को लेना पड़ा फिर, क्योंकि इनकी ऑफिशियल साइट्स पे वो आ रही है, सेल आ रही है, फ्लैश सेल, कोई 10 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, वहां से बुक होते नहीं है। सो इस पे एक मैसेज था फ्लिपकार्ट और शोमी वालों को, प्लीज इस पे जरूर सोचें कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।